राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने कान्हा जी के साथ सुबह मैं उनकी उनको कैसे नहलाती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ, यह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे कान्हा जी, मैंने इनको सुबह उठाकर बिठा दिया है। 3 बार ताली बजाकर राधे राधे बोलकर मैंने इन्हें उठा दिया है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं इनको अपने साथ ही सुलाती हूँ, लेकिन सुबह उठाकर मैं इनको इनकी चौकी पर मंदिर में बिठा देती हूँ। और फिर अब मैं इनको नहा धोकर अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। स्नान के लिए देखिए मैंने ये पानी लिया। पानी में फ्रेंड्स डेली तो मैं सिर्फ गंगा जल डालती हूँ, लेकिन जब कोई त्योहार वगैरह होते हैं तो फिर हम उनको पंचामृत से नहलाते हैं। लेकिन डेली में पानी में गंगा जल डालकर कान्हा जी को नहलाते हैं। मैंने कान्हा जी का एक बाउल बना रखा है, जिसके अंदर बिठाकर मैं इनको नहलाती हूँ। ये देखिए हमारे कान्हा जी, ये देखिए। और ये मैंने इनका नाइट सूट, ये मैंने बनाया था, इनको मैंने पहना रखा है। ये मैं इनका नाइट सूट उतारूंगी। ये देखिए नाइट सूट उतारा मैंने इनका, इनकी अंडरवियर उतारी मैंने। सब उतार कर मैं इनको अब बिठा कर अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। देखिए मंत्र उच्चारण के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स इनको थोड़ा सा हम अच्छे से रगड़ कर नहलाएंगे, जैसे हम अपने बच्चों को रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं, ताकि ये अच्छे से साफ हो जाएं। ये देखिए अच्छे से हम इनको रगड़ लेंगे। मैं तो रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ बच्चों की तरह। ये देखिए अच्छे से हम इनको रगड़ रगड़ कर नहलाएंगे। ये फ्रेंड्स इनके इयररिंग्स हैं, मैं इनको उतारती नहीं हूँ क्योंकि फिर डेली उतारने पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। रगड़ते हैं फिर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। ऐसे बीच में उठा के फ्रेंड्स मैं इनको रगड़ रगड़ कर नहला देती हूँ। देखिए नहा लिया मेरे कान्हा जी। अब मैं इनको इनका टावल लूंगी फ्रेंड्स। देखिए इनके टावल में मैं अपने कान्हा जी को लेकर लूंगी। इस पानी को फ्रेंड्स हम अपने पौधों में, तुलसा जी में या पौधों में दे देंगे। ये देखिए ऐसे कान्हा जी को अपने हल्के हाथों से इनको पोंछ देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कान्हा जी का श्रृंगार, ये मैंने खुद किया है। पर मैं डेली कान्हा जी का श्रृंगार नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं उनका डेली श्रृंगार कर सकूँ। सुबह और भी बहुत काम होते हैं, तो ये श्रृंगार जो मैं करती हूँ मेरा 1-1.5 महीने चल जाता है। तो उससे क्या होता है, फटाफट सुबह कान्हा जी को नहला के तैयार करके मैं इजीली बिठा देती हूँ उनको, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और डेली श्रृंगार करने में तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत होती है अगर आपके बच्चे छोटे नहीं, अगर आपके बच्चे छोटे नहीं हैं तो आप उनका डेली श्रृंगार कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं। ये देखिए मैं उनको अंडरवियर पहनाकर, ये देखिए पहना दिया, मैं इनको ड्रेस पहनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कान्हा जी की गर्मियों की ड्रेस का कलेक्शन है, और भी है, तो डेली का है फ्रेंड्स जो मैं डेली कान्हा जी को पहनाती हूँ। ये है जो फेस्टिव है वो तो अलग रखी हुई है, वो पहनाती हूँ। गर्मियों में तो मैं हल्की, ये देखिए कॉटन की ये मैंने सारी ड्रेसेस कान्हा जी की बना रखी हैं। ये रही इनकी सबकी वीडियो फ्रेंड्स मैंने आपके यहाँ शेयर नहीं की है, क्योंकि तब तक मैंने अपना चैनल शुरू नहीं किया था जब मैंने ये बनाई थी। ये देखिए ये सारी इनकी ड्रेसेस हैं, सुंदर सुंदर मैं इनको पहनाती हूँ। तो देखते हैं आज हमारे कान्हा जी कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करेंगे, हम वही कान्हा जी को पहनाते हैं। चलिए आज मैं ये वाली ड्रेस पहनाती हूँ अपने कान्हा जी को फ्रेंड। ये व्हाइट कलर की ड्रेस मैंने बनाई थी, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर है, और इसमें कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगते हैं फ्रेंड। ये देखिए मेरे कान्हा जी का आसन है, जिस पर मैं इनको बिठाती हूँ। देखिए
अब हम इनका श्रृंगार करेंगे फ्रेंड्स। श्रृंगार मतलब, वैसे तो मैंने इनका श्रृंगार आपको दिखाई दिया है कि मैंने कर रखा है, वैसे मैं अभी तो मेरे फ्रेंड्स श्रृंगार हो रखा है मेरे कान्हा जी का, लेकिन मैं दिवाली से पहले जब इनका श्रृंगार उतर जाएगा तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए मैं इसके पीछे इनकी ड्रेस, क्योंकि उठी हुई सुंदर लगती है इसलिए मैं इसको लगाती हूँ, देखिए ऐसे। अब हम इनको इनके हाथों के कंगन पहनाएंगे। देखिए हमारे पास इतनी सारी कलेक्शन है कंगन की, तो जो इनके मैचिंग के, जैसे इसमें मर्जेंटा कलर है तो मैं ये मर्जेंटा कलर लूँगी। ये इनके हाथों के कंगन है, ये इनकी बांसुरियाँ हैं फ्रेंड्स। बांसुरी मेरे पास बहुत है फ्रेंड्स, और फेस्टिव के लिए मैंने फेस्टिवल्स के लिए अलग से इनकी बांसुरी ला रखी है। आज हम ये मोर वाली बांसुरी इनको लगा देंगे। ये मैं अलग से बाउल में रख देती हूँ ताकि सारी मैच ना हो, इधर उधर खो ना जाए मेरे। देखिए फ्रेंड्स अब हम इनको गले में माला पहनाएंगे। देखिए मेरे पास ये माला का फेस्टिवल के लिए अलग से है, मेरी डेली की है, तो इसमें से हम इसमें देखते हैं कौन सी पहनाएं। हाँ ये वाली मैच करेगी, तो ये वाली मैचिंग की मैं इनको, गर्मियों में फ्रेंड्स हल्के फुल्के ही पहनाते हैं, अगर सर्दियां हो तो कुछ भी पहना सकते हैं, वरना जैसे हमें सब चीज़ चुभती है वैसे कान्हा जी को भी चुभेगी। तो देखिए वैसे मेरे पास और भी कलेक्शंस है, ये देखिए चोकर है मेरे पास, ये कान्हा जी के बहुत ही सुंदर लगते हैं पहने हुए कान्हा जी को। और ये हल्की हल्की, ये देखिए मैंने ये हल्की हल्की भी मालाएं ला रखी हैं गर्मी में पहनाने के लिए कान्हा जी को। ये रही बिल्कुल हल्की हल्की मालाज भी है मेरे पास, ये रही हरी मालाएँ कान्हा जी की। अब हम इनके तिलक लगाएंगे। वैसे तो देखिए मैंने इनको तिलक लगा रखा है, लेकिन ये देखिए मेरे पास ये सारे इनकी मैंने मैचिंग के तिलक भी ला रखे हैं। ये रहे, ये भी मैं अलग से पॉलीथीन में रखती हूँ, तो छोटे छोटे होते हैं तो सब खोने का डर रहता है फ्रेंड। देखिए मैंने मैचिंग का एक तिलक निकाल लिया है। अब इसके पीछे हम हल्के से गम लगाकर चंदन से श्रृंगार करने में बहुत देर लगता है, इसलिए मैं डेली इनका चंदन से श्रृंगार तो कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। अब हम कान्हा जी के, देखिए इनके बाल हैं, इनके बाल लगाकर ये इनके बाल लगाएंगे कान्हा जी के ऐसे। और अब देखते हैं इनमें से मेरे कान्हा जी को कौन सा मुकुट पसंद आता है। ये देखिए ये मेरे पास इनके मुकुट का कलेक्शन है जो मेरे डेली का है। इनके मोर पंख भी हैं मेरे पास दो तीन, ये रहे एक मैंने मोर पंख इनका खुद भी बनाया जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये मैं डेली में जो यूज़ करती हूँ वो हैं, तो आज इनको मैचिंग का हम ये वाला मुकुट लगा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये इनसे पूरा मैच करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, कान्हा जी को मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मोर पंख तो उनका पसंदीदा है, मोर पंख से वो बहुत खुश रहते हैं, तो इसलिए जब भी उन्हें रेडी करें तो उनके पगड़ी में या मुकुट में मोर पंख जरूर लगाएं। ये देखिए ऐसे मैंने इनको ये मोर पंख लगा दिया है। ये देखिए कितनी जल्दी से तैयार हो गया। इनके कानों के हैं ये रे, ये मैं उतारती नहीं हूँ फ्रेंड्स डेली में। ये इनकी बांसुरी है जो हमने इनके पास रख दी, ये बांसुरी इनका जब इच्छा करे तब बजाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स ये इनका झुनझुना है जो कि मैं इनके पास रखती हूँ, ये मैंने इनको इनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये इसको नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड्स, ये भी इनको बहुत प्यारा है। ये देखिए ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए मेरे कान्हा जी अब तैयार हो गए हैं बिल्कुल। अब हम इनको मुस्कुरा रहे हैं आप सब लोगों को देखकर। अब हम इनको मंदिर में विराजित कर देंगे। देखिए मैं इनको मंदिर में बिठा दूंगी।
सा टेढ़ा है, मैं सीधा कर देती हूँ बस। और ये देखिए, ये हैं इनके छोटे छोटे से शूज जो मैं इनके पास ही रखती हूँ। ये देखिए इनके छोटे छोटे शूज हैं जो मैं इनके पास ही रखती हूँ, ताकि इनको कहीं जाना हो तो ये अपने शूज पहनकर घूमकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने कान्हा जी को तैयार करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं सुबह कान्हा जी को मिश्री का भोग जरूर लगाती हूँ। तो अब मैं अपने कान्हा जी को आज माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। भोग में फ्रेंड्स तुलसा जी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनको तुलसा जी बहुत ही प्रिय है। उसके बिना इनको अगर भोग खिलाओगे तो स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन ये है कि ज्यादा मन से नहीं खा पाते हैं। अगर इनके साथ इनके भोग में आप तुलसा जी रखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, और वो उस भोग को छप्पन भोग की तरह खाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, ये थी मैंने आपको दिखाया कि मैं अपने फ्रेंड्स कि मैं अपने कान्हा जी को कैसे सुबह नहला धुला के तैयार करती हूँ। और उनका श्रृंगार देखिए मैंने कर रखा है, ये 1-1.5 महीने मेरा कहीं नहीं जाता है, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं श्रृंगार में। तो इसकी वीडियो भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने कान्हा जी का श्रृंगार करती हूँ, किन कलर्स से करती हूँ, ताकि आप लोग भी डेली क्या ऐसे ही श्रृंगार में अपने कान्हा जी को देख सके और सुबह का आपका टाइम बच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और बेल आइकन को के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। राधे राधे।